हे गाइस हाय, जस्ट मैंने बात की व्हाट इज क्लासिक मूवी, व्हाट डज इट मीन एंड क्या होना चाहिए क्लासिक, एक क्लासिक मूवी का कंटेंट क्या होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी थिंकिंग उसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का मूवी रिव्यू करने का, फर्स्ट मूवी जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, नाइस गाइज 2016 की आई हुई, डायरेक्शन है शेन ब्लैक का एंड एक्टर है रायन गॉसलिंग, रसेल क्रो एंड एंगोरी राइस। सुपर मूवी है। तो स्टोरी इस तरह से बिल्टअप होती है मूवी की, एक डिटेक्टिव है, एक टाउन है, काउंटी है, जहाँ पे एक डिटेक्टिव है और एक दूसरा पर्सन है, वो इन्वेस्टिगेटर है। अभी ये दोनों पर्सन को उस पर्सन की लाइफ रिलेटेड है, वहाँ के जो क्या बोलेंगे उसको, हमारे यहाँ पे नगर सेवक MLMP बोलते हैं ना, उसी तरह के सोशली ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाली लेडी के साथ उस एंड उसी लिए ये दोनों उसको उसकी तहकीकात कर रहे हैं, सेपरेटली कर रहे हैं। अभी इस मूवी में जिस तरह से बिल्टअप किया गया है, जिस तरह से कैरेक्टर दोनों का बिल्टअप किया गया, रायन गॉसलिंग का जो कैरेक्टर है वो इन्वेस्टिगेटर का, वो किस तरह से अपनी चीज़ें करामाती करता रहता है, और रसेल क्रो का जो कैरेक्टर है उसकी जो करामाती चीज़ें रहती है, उसका वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है, वो किस तरह से लोगों से डीलिंग करता रहे, उस टैंगलमेंट के बीच में एक सुपर कॉमेडी को बिल्टअप किया गया है एंड दैट इज एपिक, दैट इज क्लासिक। उस कॉमेडी बिल्टअप में वो किस तरह से वो लोग उस लड़की को ढूंढने में लग जाती है, और वो लड़की क्यों छुप के बैठी है, छुप के बैठने के साथ में किस तरह से पूरे की पूरी जो बॉडी रहती है, मतलब क्या बोलेंगे, हायर ऑफिशियल्स की बॉडी रहती है, वो सभी लोग, एक मिस्टी माउंटेन बोल के कैरेक्टर है, पॉन एक्ट्रेस का कैरेक्टर है, वो किस तरह से उस पर इन्वॉल्व रहती है, और इसके साथ में रायन गॉसलिंग की डॉटर है जिसका रोल प्ले किया है एंगोरी राइस ने, वो किस तरह से इन दोनों के बीच में रहती है, चीज़ें किस तरह से होती जाती है, एंड एंड में जाके कौन कौन इस सेक्स स्कैंडल के इशू में इन्वॉल्व है और किस तरह से इन्वॉल्व है, इसका जो पूरा पर्दाफाश होता है, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी है द नाइस गाइज। अभी नाइस गाइज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सुपर्ब एक्टिंग, रायन गॉसलिंग लीजेंड्स ऑफ इंडस्ट्री, रायन गॉसलिंग की लावा लैंड मैंने प्रीवियसली देखी है, सुपर्ब, वन ऑफ द फेवरेट, मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ माइंड। फिर उसके बाद में ब्लेड रनर के बारे में मैंने सुना है बट मैंने वो देखी नहीं है, लेट्स सी। एमा स्टोन के साथ और भी प्रीवियसली उनकी मूवीज है रायन गॉसलिंग के, आई वुड लव टू वॉच दैट। रसेल क्रो के बारे में क्या बोलना, एवरीवन नो ही इज द क्या बोलेंगे उसको, द जो इज अ गाय फ्रॉम जनरेशन ऑफ लियम नेसन के बाद की जो जनरेशन है वहाँ से, एंड ही इज प्रिटी मच एवरीवन्स फेवरेट इन दैट मैटर। एंड मैं स्टोरी के बारे में कह रहा था, तो इस तरह से स्टोरी बढ़ती है, प्लस पॉइंट के बारे में कह रहा था, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, डायलॉग्स, एक एंगेजिंग ये रहता है, फैक्टर रहता है किसी भी मूवी को ग्रेट बनाने के लिए, उसके अंदर एक फैक्टर रहता है, वो है एंगेजिंग। ये मूवी इतना एंगेजिंग रखती है एंड पीसफुल, काम, रिलैक्स्ड, एक आपको फील देती है कि जब आराम से इस मूवी को देखोगे यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर एंड यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील ओवरऑल अमेजिंग आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, एंड दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दिस मूवी। स्टोरी प्ले स्मूथली कंटिन्यू होता रहता है, एक नॉर्मल सी स्टोरी है लेकिन उस स्टोरी में भी इतने अच्छे अच्छे वन लाइनर पंचेस रहने दो, फिर उसके बाद में उन दोनों का कनेक्शन बिल्डअप रहने दो, रिलेशनशिप बिल्डअप रहने दो, ये सारी की सारी चीज़ें इस मूवी को एक परफेक्ट मिक्सचर बना देती है आपको एनी टाइम कभी भी देखने के लिए। अगर आप ऐसी मूवी पसंद करते हो तो श्योरली आपको ये मूवी पसंद आएगी। एक सिंपल बेसिक स्टोरी लाइन लेकिन अमेजिंग एक्टिंग एंड डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले के साथ में ये मूवी एक बेटर कॉम्बिनेशन है हर किसी के लिए देखने के लिए। सो दैट्स माय रिकमेंडेशन फॉर यू। एंड उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे टाइगन के बारे में, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड देन ओपन ग्रेव। इट्स मस्ट वॉच फॉर ईच एंड एवरीवन। अगर आप क्लासिक चीज़ें पसंद करते हो, सिंपल बेसिक येट सो सॉलिड एंड डायलॉग्स भी सुपर सॉलिड रहेंगे, बट एट द सेम टाइम फनी, सेटायरिस्टिक एंड एक वाइब आती है, एक फील आती है आपको अच्छी। So in that case you 101% gonna love this movie, nice guys, for dark comedy, not dark comedy I'll say, but a
masterpiece, as a masterpiece movie, you surely gonna love this. And yeah, let me know if you have seen this movie or not. What are your thought about this movie? Please comment box में मुझे comment करके बताइए. Nice guys, 2016, peace. Next video में बात करेंगे. And please comment करके मुझे बताइए आपको ये movie कैसी लगी है, नहीं लगी है. Thank you guys, thanks a lot.